अच्छा जी, असाइनमेंट नंबर 13, फर्स्ट टास्क आपसे कह रहे हैं ओपन प्रैक्टिस वर्कबुक, प्रैक्टिस वर्कबुक को ओपन कर लें। तो आपने फोल्डर में जाना है, असाइनमेंट नंबर 13 की फाइल को आपने ओपन कर लेना डबल क्लिक करके। तो असाइनमेंट नंबर 13 की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी आपको देखिए फोल्डर में क्यों नजर आ रही है, क्योंकि हमने इसको डाउनलोड किया है, ठीक है। मटेरियल फाइल में जाके हमने इसको, यहां से हमने सारा इसको डाउनलोड किया है, तभी हमें यहाँ पर ये फोल्डर में शो हो रही है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं क्लिक द चैलेंज टेप, चैलेंज वर्कशीट टेप इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कबुक। देखिए आपसे कह रहे हैं कि बॉटम लेफ्ट पर आपको क्या मिलेगा, वर्कशीट के टैब्स मिलेंगे, उसमें से आपने चैलेंज टेप पे क्या करना है, क्लिक करना है। आपने क्लिक कर दिया। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, इन सेल D7, सेल D7 में चले जाइए, क्रिएट अ फार्मूला, और एक फार्मूला क्रिएट कीजिए दैट कैलकुलेट द टैक्स फ्रॉम द इनवॉइस, यूज अ सेल टैक्स रेट ऑफ 7.5%। ठीक है, आपसे क्या कह रहे हैं कि सेल D7 में आप चले जाएं और यहां पर आप क्या करें, एक ऐसा फॉर्मूला क्रिएट करें जो कि क्या करे, आपकी जो से इनवॉइसिस की आपके पास क्या आ रही वैल्यू आ रही है, इसका क्या क्या बताया आपको, 7.9% बता दे। कितना बताया, 7.5% बता दे। अब मुझे ये बात बताएं कि आपने क्या करना है, टैक्स निकालना है सारी वैल्यू को 7.5%, इन सारे इनवॉइसेस का आपने क्या करना है, आपने 7.5% टैक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, कोई मुझे बताएगा कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या होगा, देखो इन सारों को निकालना है, 7.5% निकालना है, तो पहला काम क्या होगा, इन सारों को जमा करेंगे ना, अलग अलग निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो हम एक काम करेंगे और अलग अलग निकालने के बाद में हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, पहले इनको प्लस कर लेते हैं, फिर हम उसको 7.9% उसका निकाल लेंगे, ठीक है। अब याद रखिएगा, परसेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा जिस वैल्यू का परसेंट निकालना होता है उसको 100 से डिवाइड करते हैं। yes. क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए जरा हम क्या करते हैं, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं, इक्वल सबसे पहले लगाने फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए शिफ्ट दबा के 9 दबाए तो ब्रैकेट ओपन हो गया मेरा, ओपन हो गया। ओपन होने के बाद आपने क्या करना है, आपने इन सारे सेल्स को प्लस करना है, प्लस करना है ना, आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फिर आप प्लस का साइन, फिर सिलेक्ट किया प्लस, फिर सिलेक्ट किया प्लस, फिर सिलेक्ट किया, आपने प्लस लिख दिया, ठीक है, लास्ट वाली वैल्यू के आगे प्लस नहीं लिखना। फिर ब्रैकेट शिफ्ट दबा के 0 दबाएंगे, ब्रैकेट आपको क्लोज हो जाएगा। फिर आपने इसका निकालना है 7.5%, तो आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किसके साथ, 7.5 डिवाइडेड बाय 100, किसे करवाएंगे, 7.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 7.5 डिवाइडेड बाय 100 ये 7.5% की वैल्यू है। परसेंट को कैसे हटाते हैं, देखो परसेंटेज में जाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाते हो 100 के साथ, और परसेंटेज से बाहर आने के लिए आप क्या करते हो, 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, इंटर कर दूंगा, जैसे इंटर करूंगा देखो मुझे इसने बता दिया कि भाई इन सारे इनवॉइसेस पर, ठीक है, आपके पास कितना टैक्स बनेगा, 24.15 रुपए बनेगा, 7.5% जो होगा, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, देखिए जरा, इन सेल D8, सेल D8 में चले जाएं, क्रिएट अ फार्मूला, और एक फार्मूला क्रिएट करें that find the total for the order in otherwise this formula should add cell D3 to D7। आपसे कह रहे हैं कि D8 में चले जाएं और वो फार्मूला क्रिएट करें जो कि क्या करेगा, इस ऑर्डर के टोटल को बताएगा आपके पास। और कह रहे हैं सिंपल अल्फाज में आप ये बात समझ लें कि आपने वो फार्मूला लगाना है जिसमें क्या ऐड हो, जिसमें D3 से लेकर D7 तक की सेल्स क्या हो, आपके इंक्लूड हो, ठीक है। तो अगेन आपको, आप जानते हैं क्या फॉर्मूला है आपका, इक्वल और सम लिख देंगे, सारों को ऐड कर लेना, इक्वल सम लिख दें, या दूसरा तरीका क्या, अगर आप फॉर्मूला लिखना भी नहीं चाह रहे, आल्ट इक्वल दबा दें। और एक और तरीका है, वो तरीके क्या है आपके पास, आपने फॉर्मूले में जाने और यहां पर देखें आपके पास ये फंक्शंस आपको नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाएंगे, आपको सम वाला फंक्शन चाहिए, सम पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली देखें लग जाएगा, ठीक है। और आप इंटर कर दें, देखिए इसने क्या कर दिया, इसको ऐड करके आपको दे दिया, ठीक है। जिस सेल में मौजूद होंगे उससे ऊपर जितनी भी वैल्यू होगी ऑटोमेटिक उसको रेंज वो सिलेक्ट कर लेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, इन सेल D9 क्रिएट अ फॉर्मूला दैट कैलकुलेट द टोटल आफ्टर अ 10% डिस्काउंट इफ यू हेल्प अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल, रिव्यू अवर लेसन डिस्काउंट मार्कडाउन एंड सेल्स, ठीक है। आपसे ये बात कह रहे हैं, भैया आप एक काम करें, आप इसको टोटल करने के बाद, ठीक है, टोटल करने के बाद 10% डिस्काउंट निकाल के टोटल करें,
आपसे क्या करें कि भाई आपने टोटल का क्या करना है 10% डिस्काउंट निकाल के वो वैल्यू लिखनी है यहाँ पर। देखो हेडिंग भी लिखी हुई आ रही है टोटल आफ्टर डिस्काउंट, आपने यहाँ पर टोटल लिखना है, टोटल आपके पास एक वैल्यू आनी चाहिए लेकिन डिस्काउंट निकाल के आनी चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी आपको? तो बताएं कैसे निकालेंगे इसका, क्या करूं यहाँ पर मैं, क्या करना पड़ेगा, कितने ऑपरेशन यहाँ पर लगेंगे? देखो टोटल तो ऊपर हुआ हुआ है, ऐसा ही है ना, टोटल ऊपर हुआ हुआ है, मैंने क्या करना है इस टोटल में से 10% डिस्काउंट को निकाल के यहाँ पर वैल्यू लिखनी है। ठीक है, देखो बहुत आसान है, क्या करेंगे आपके पास, मुझे ये बात बताएं कि हमें जो वैल्यू चाहिए ये माइनस में चाहिए हमें प्लस में चाहिए, हमें प्लस में चाहिए ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि बड़ी वैल्यू हमारी पहले आएगी, ऐसे ही बात समझा कि बड़ी वैल्यू हमारी क्या आएगी, पहले आएगी। तो मुझे ये बात बता दें कि टोटल वाली बड़ी वैल्यू होगी हमारी, या जो हमारा 10% डिस्काउंट निकलेगा वो बड़ी वैल्यू होगी, टोटल वाली बड़ी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब फार्मूले में हमने क्या रखना है, टोटल वैल्यू को पहले रखना है, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, इक्वल, और मैंने क्या किया ब्रैकेट ओपन किया और इस टोटल वैल्यू को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैंने क्या करना है, इस वैल्यू से मैंने माइनस करना है, क्या करना है, इस वैल्यू से मैंने माइनस करना है। ये चलिए काम करते हैं, इक्वल लिखते हैं, इस वाले सेल को मैं सिलेक्ट करता हूं और इससे मैंने इसको माइनस करना है, किसको माइनस करना है, 10% को माइनस करना है। ठीक है, आप ब्रैकेट लगा दें, और किसके 10% को, किसका 10% माइनस करना है, इस टोटल का ना, तो इस टोटल D8 को आपने सिलेक्ट करना है और आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ, 10% के साथ। 10% का भी मैंने आपको मतलब बताया क्या होता है, 10 डिवाइडेड बाय 100, और आपने शिफ्ट दबा के 0 दबाया, ब्रैकेट क्लोज होकर आपने इंटर कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका टोटल आफ्टर डिस्काउंट का फार्मूला आ गया। मैं एक काम करता हूं, इस फार्मूले को मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, कंट्रोल सी की, और यहां पर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, दोबारा देखिए हमने क्या किया, भाई टोटल वाले सेल से हमने माइनस करना है टोटल वाले का 10%। तो मैंने क्या किया, टोटल वाले सेल को सिलेक्ट किया, फिर मैंने माइनस का साइन लगाया, मैंने ब्रैकेट लगाया और मैंने क्या कर दिया, टोटल वाले का 10% निकाल के मैंने उसके इन दोनों को क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, समझ आ गई बात, ये आपका इसका फॉर्मूला हो गया। और टोटल कैसे निकाला है, वही सम का फॉर्मूला है आपका, ये तो आपको मालूम होगा। इसके बाद हमने देखे यहां पर टैक्स कैसे निकाला है, ठीक है, ये मल्टीपल फार्मूला पे हम काम कर रहे हैं भाई, कोई मसला है यहां पर, क्लियर है? जी ये टैक्स हमने निकाला है 7.5%, ठीक है, इन टोटल इनवॉइसेस का, ये डी लिखा हुआ है सर, जी इसके डॉट है, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस D3 प्लस D4 प्लस D5, ये नीचे इसमें लिखा हुआ है D3 से लेकर, हमने सम किया है D3 से लेकर D7 तक, दो इन कॉलम्स का मतलब होता है से, D3 से D7 तक। चले आगे, भाई क्लियर है ना, कोई मसला तो नहीं है? असाइनमेंट नंबर 13 हमारा हो गया, या कुछ रहता है, व्हेन यू आर फिनिश योर शीट शुड लुक लाइक दिस। देखिए नजर आ रही इसी तरह से, बिल्कुल नजर आ रही, देखिए 24 है, फिर 346 है, फिर 311 है, देखिए सारी वैल्यूज हमारी मैच कर रही, सही है। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 13 था। अब 14 पर आ जाते हैं, 13 को क्लोज कर देते हैं 14 पर। देखिए ओपन प्रैक्टिस वर्कबुक, प्रैक्टिस वर्कबुक को हमने क्या करना है, ओपन करना है। तो 14 की वर्कबुक को हम ओपन कर लेते हैं,
अच्छा जी, यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, बेटा ये लिखें, बड़ी काम की बातें अभी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है, ये आपने लिखना है। देखिए करेंसी का साइन मैंने लगाया और मैंने लिख दिया ए, और फिर अगेन मैंने करेंसी का साइन लगाया, मैंने लिख दिया टू, और इसके आगे मैंने इसकी कुछ स्टेटमेंट लिख दी, द कॉलम एंड रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड। ठीक है जी, अच्छा सेकंड आपसे क्या कह रहे हैं, ए लिखा मैंने, करेंसी का साइन लगाया और मैंने लिख दिया यहां पर टू, और आगे मैंने लिख दिया द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी। ठीक है, उसके बाद मैंने करेंसी का साइन लगाया और मैंने लिखा ए, और मैंने लिख दिया टू, और यहां पर मैंने लिख दिया द कॉलम डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी। इसे लिखें जल्दी से, ठीक है भाई, समझ आ रही है। अब देखिए इसका ये मैंने क्यों लिखवाया है, आपको भी थोड़ी देर में पता लग जाएगा इसका क्या इस्तेमाल है, इसका क्या फायदा है। लिख लिया आप सबने? अच्छा जी, देखिए अब अगला टास्क हमारा क्या है, क्लिक द पेपर गुड्स टेब्स इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्क बुक। आपको बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर एक टेब नजर आएगा, कौन सा, पेपर गुड्स का। आप इस पे अगर आपने क्या कर लिया, आपने यहां पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, तो यहां पर आप मूव हो गए। अच्छा जी, फिर आपसे क्या कह रहे हैं, इन सेल डी फोर इंटर अ फॉर्मूला दैट मल्टीप्लाई द यूनिट प्राइस इन बी फोर द क्वांटिटी इन सी फोर। आप क्या करें, डी फोर में एक फॉर्मूला अप्लाई कर दें जो कि क्या करेगा, बी फोर जो कि यूनिट प्राइस को बता रहा है एंड सी फोर, ठीक है, जो कि क्वांटिटी को बता रहा है, इन दोनों को क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, आगे क्या करें, एंड द टैक्स रेट इन ई टू, और जो ई टू में टैक्स रेट आपका लिखा हुआ है उसको भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, सिंपल क्या करें, तीनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, मेक श्योर यूज एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस फॉर द टैक्स रेट बिकॉज इट विल बी द सेम इन एवरी सेल। आपसे कह रहे हैं कि आप इस बात की श्योरिटी कर लें, यकीन दहानी कर लें, ठीक है, कि आप एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब देखिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, और आपका एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है और एक आपको दूसरा सेल रेफरेंस होता है, इन दोनों में क्या फर्क है। ठीक है, अब देखिए आपके पास एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, आपके पास ऐसा सेल रेफरेंस होता है जो कि आपका एब्सोल्यूट होता है, जो कि चेंज नहीं होता। बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पर देखें, मैं क्या करता हूं, इक्वल लिखता हूं, इस सेल को मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई करवा देता हूं इस वाले सेल के साथ, मल्टीप्लाई करवा दिया, एक आंसर आ गया। अब देखिए इसको मैं फिल हैंडल के जरिए से ड्रॉप डाउन करके नीचे ले आता हूं, नीचे आ गया। अब देखिए, अब यहां पे डबल क्लिक करता हूं, इसने देखिए क्या किया, इसने C4 और B4 को मल्टीप्लाई करवा दिया। अच्छा आगे चलते हैं, यहां पर देखिए C5 और B5 को मल्टीप्लाई करवा दिया।
नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में क्या किया इसने, C6 एंड B6 को मल्टीप्लाई करवा दिया, देख रहे हैं ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस चेंज होता चला जा रहा है, जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं ऑटोमेटिकली सेल का रेफरेंस चेंज होता चला जा रहा है। तो ये एब्सोल्यूट रेफरेंस नहीं कहलाता। एब्सोल्यूट रेफरेंस क्या होता है, जब आप किसी सेल का एब्सोल्यूट रेफरेंस देते हैं तो आपका सेल चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। कैसे देखें, अब मिसाल के तौर पर देखें, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, इसको यहां से मैं क्या करता हूं, डिलीट करता हूं और यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल। हमने करना क्या है, तीन सेल्स को मल्टीप्लाई करवाना है, किसको, B4 को मल्टीप्लाई करवाना है, किसके साथ, C4 के साथ, और फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करवा देना किसके साथ, E2 के साथ। देखिए E ये आ रहा, 2 ये आ गया आपके पास, इसके साथ आपने टैक्स रेट के साथ आपने मल्टीप्लाई करवा दिया, करवा दिया, और मैं क्या करता हूं एंटर कर देता हूं, आंसर आ गया मेरा। फिर उन्होंने क्या किया है, आप क्या करें, इसको नीचे फिल कर दें, ऐसे ही कहा ना, देखें आगे, यूज द फिल हैंडल टू कॉपी द फॉर्मूला यू जस्ट क्रिएटेड टू सेल D5 टू D12 तक आपने क्या करना है, इसको लेकर जाना है। देखिए ये D5 आ गया, D12 तक आपने यहां तक इसको क्या करना है, ऑटो फिल करना है। अब देखिएगा क्या होगा, मैंने क्या किया, रिलेटिव रेफरेंस इस्तेमाल किया, मुझे याद आ गया एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होता है, एक रिलेटिव रेफरेंस होता है। तो अब यहां पर मैंने एब्सोल्यूट रेफरेंस इस सेल का इस्तेमाल नहीं किया, देखिए अब क्या रिजल्ट निकलता है। अब ये फिल हैंडल के जरिए से क्या कर रहा हूं, नीचे तक लेकर आ रहा हूं। इसने क्या बताया, गलती बता दी ना, देखो यहां पर क्या बता रहा, मुझे वैल्यू तो नहीं बता रहा, बस मैं रही है, देखो कर क्या रही है, यहां पर था इसने इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, सही आंसर इसने बता दिया। फिर क्या करेगा, दूसरे सेल में देखें, अब इसने क्या किया, इसने कहा अगर हम नीचे एक लाइन जा रहे हैं तो यहां से मुझे नीचे जाना चाहिए, जो नीचे आ गया, देखो यहाँ पर वैल्यू तो नहीं लिखी हुई ना, यहाँ पर लाइन टोटल लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या अल्फाबेट से वैल्यू आपकी नहीं है, तो इसने क्या बता दिया, यहाँ पर इसने एरर बता दिया कि भाई यहाँ पर आपकी वैल्यू का एरर आ रहा है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखिए इसने ये वाली वैल्यू पिक कर ली, तो इसने उसका आंसर ये निकाल कर दे दिया आपको, इवन कि ये आपका गलत आंसर आया है, बस मेरी अगेन देखिए नीचे क्या है आपका, अगेन आपकी ये वैल्यू आ रही थी क्योंकि फॉर्मूला गलत हो गया था, आंसर नहीं आ रहा, तो उसका अगेन उसने वैल्यू पिक कर ली यहां से, बात समझ आ रही है। तो इस तरह का रिजल्ट हमें नहीं चाहिए था, हमें ये करना था कि 7.5 को हमने क्या करना था, हमने इसको कांस्टेंट रखना था कि भाई ये वैल्यू चेंज ना हो, ठीक है। आप एक और काम भी कर सकते हैं, बोले सर कोई टेंशन की बात ही नहीं, आप ये काम कर लेते, जानी छूट जाती है आपकी, आप क्या करते, आप यहां पर जाते सर एक काम करते, मल्टीप्लाई करवाना था ना, आप एक काम करते 7.5 को आप डिवाइड करवा देते 100 के साथ, तो तब भी आंसर आ जाता, फिर आप क्या करते नीचे ड्रैग करते तो आपका आंसर तो ठीक आ जाता है ना। लेकिन भाई अगर मैं क्या करता, यहां से मैं इसको करना था 5.5 करता, तो क्या मेरी वैल्यू चेंज होती, यहां पर मेरी वैल्यू तो चेंज ही नहीं होती, इसका मतलब जो हजार उस वैल्यू पर मैंने फार्मूला लगाया वो तो मेरा गलत हो गया, समझिए। तो यहां पर हमारा क्या आता है, हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस काम आता है, क्या आता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस हमारा यहां पर काम आता है, जो कि हमें इस बात की क्या देता है, सहूलत देता है कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आप एज अ रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो चेंज ना हो, ठीक है। कैसे करते हैं वो देखते हैं, देखिए तीन स्टेटमेंट्स मैंने आपको लिखवाई थी, देखिए आप जानते हैं कि सबसे पहले जो लिखा हुआ आता है आपके सेल एड्रेस में, ठीक है, या नेम बॉक्स में लिखा हुआ आता है, पहले क्या लिखा हुआ आता है आपके पास, कॉलम का नेम लिखा हुआ आता है, फिर क्या लिखा हुआ आता है, रो का नेम लिखा हुआ आता है। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं तो इसका देखें सेल नेम बॉक्स में क्या लिखा हुआ आ रहा है, G11 लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि जी वाला कॉलम है और 11वीं रो पे आप मौजूद है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं कॉलम के आगे करेंसी का साइन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, अगर मैं किसी भी सेल एड्रेस में अगर मैं कॉलम से पहले करेंसी का साइन लगाऊंगा तो वो क्या करेगा, कॉलम की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, जस्ट रो की वैल्यू को चेंज करेगा। जब उस सेल को मैं क्या करूंगा, कॉपी करूंगा, उस सेल को कॉपी करते वक्त क्या होगा कि आपके कॉलम की वैल्यू चेंज नहीं होगी, आपकी रो की वैल्यू चेंज होगी। सबसे देखिए तीसरे वाली वैल्यू देखिए, इसकी बात कर रहा हूं, देखिए आपके कॉलम से पहले करेंसी का साइन लगा हुआ है ना, और आगे क्या लिखा हुआ है, द कॉलम डू नॉट चेंज व्हेन कॉपीड, कि भाई आपका कॉलम चेंज नहीं होगा जब आप इसको कॉपी करेंगे। आगे सेकंड लास्ट में देखें, अब आपका करेंसी का साइन आपके नंबर यानी कि रो नंबर से पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, द रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी, यानी कि इस केस में आपकी रो चेंज नहीं होगी जब आप इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। और सबसे लास्ट में देखिए हमारे काम का है, द कॉलम एंड रो डू नॉट चेंज व्हेन कॉपी, ना आपका कॉलम चेंज होगा ना आपकी रो चेंज होगी जब आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर देखें, अगर मैं क्या करता हूं, इसको सिलेक्ट करते वक्त
यहां पर मैंने इस सेल को सिलेक्ट करना था ना, इस सेल को सिलेक्ट करते वक्त मैं क्या कर दूं, देखिए मैं ई से पहले भी करेंसी का साइन लगा दूं और मैं टू से पहले भी करेंसी का साइन लगा दूं, तो अब क्या होगा, अब ना मेरा रो चेंज होगा ना मेरी ना मेरा कॉलम चेंज होगा, इसको मैं एंटर कर देता हूं। अब देखिए मैं क्या करता हूं, यहां से इसको अब फिल हैंडल के जरिए से ड्रैग डाउन करता हूं और ड्रैग डाउन करने के बाद देखिए मेरी वैल्यू अगेन मेरा आंसर क्या आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा है। आप इसको चेक कर दें, डबल क्लिक करें, देखिये यहां पर भी इसने यही वाला सेल सिलेक्ट किया है, लास्ट वाले को चेक कर लें इसमें भी इसने यही वाला सेल सिलेक्ट किया है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं 1.2% करता हूं, तो देखिए ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बस मार ये। तो ये कहलाता है आपका एब्सोल्यूट रेफरेंस, क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस आपका कहलाता है 7.5, इसको वही कर देते हैं, समझ आ गई बात। तो ये बड़े काम की चीज है, ठीक है, इवन कि आप किसी और शीट का भी क्या कर सकते हैं, ये आप रेफरेंस कॉपी कर सकते हैं, वो कैसे हुआ आगे देखते हैं। आगे क्या करें, चेंज द टैक्स इन रेट इन द सेल ई टू द 6.5%, आप ये काम करें कि आप टैक्स रेट की वैल्यू को 6.5 कर दें, कितना कर दें 6.5 करके एंटर कर दें, आपने देखा वैल्यू चेंज हुई ना, यही बात आगे कर रहे हैं आपसे, कि आपसे क्या कह रहे हैं भाई, नोटिस दैट ऑल ऑफ योर सेल हैव अपडेटेड, आप इस बात को नोटिस करेंगे कि आपके सारे के सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। When you are finished, your workbook should look like this. जब आप खत्म करेंगे तो आपकी वर्कबुक कुछ इस तरह से आपको नजर आएगी, नजर आ रही है, बिल्कुल आपको नजर आ रही है। आगे चलते हैं, क्लिक द कैटरिंग इनवॉइस टैब, आपने क्या करना है, अब कैटरिंग इनवॉइस टैब पे आपने क्लिक करना है। अब देखें फाइल पे चाहते हैं दोबारा, अब देखिए कैटरिंग इनवॉइस टैब आपको ये नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, इस पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, सही। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, डिलीट द वैल्यू इन सेल C5, आपने क्या करना है, सेल C5 में जो वैल्यू आपको नजर आ रही है उसको डिलीट कर दें। सेल C5 कहां पर है, वेयर इज द C5, C5 देखिए ये रहा आपके पास, ठीक है, C5 में जो वैल्यू नजर आ रही है आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। तो जाए उस पर बैक स्पेस का बटन दबाइए, डिलीट का बटन दबाते हैं, ठीक है। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, अच्छा, एंड रिप्लेस इट विद द रेफरेंस, और आप क्या करें उसको रेफरेंस से रिप्लेस कर दें, किसके रेफरेंस से रिप्लेस कर दें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करें यहां पर, ठीक है, रिप्लेस विद द रेफरेंस टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द पेपर गुड, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट ऑफ द पेपर गुड्स आपके पास आई है ना, अभी आपने निकाली थी थोड़ी देर पहले, ठीक है, पेपर गुड्स में अगर आप जाएं और यहां से आपने जो टोटल कॉस्ट निकाली है ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई, आप क्या करें इसका रेफरेंस दे दें उस वाले सेल में C5 में। अब ये वाला रेफरेंस कैसे क्रिएट करेंगे, देखिए जरा, अब देखिए इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आपने किसी शीट का रेफरेंस देना है, किसका रेफरेंस देना है, किसी शीट का रेफरेंस देना है, तो बहुत आसान है, सबसे पहले आपने ये बात आइडेंटिफाई करनी है, क्या आइडेंटिफाई करनी है, कि भाई हमारी जो शीट का, हमारी वर्कशीट का जो नाम है क्या उसमें स्पेस आ रहा है, अगर तो स्पेस आ रहा है तो आपने शीट का नाम किसमें लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है, किसमें लिखना है, इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है। अच्छा देखिए मैं लिखता हूं इक्वल, और देखिए इंटर के साथ आपके पास ये क्या नजर आएगा, आपको ये कॉमास नजर आएंगे, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं, जस्ट दो कॉमा में आपने लिखना है, देखिए ये वाला बटन मैंने दबा दिया, ये दो कॉमे आपके पास आ गए, नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो आपने करना ये है, आपने इनके सेंटर में क्लिक करना है, इनके सेंटर में आपने क्लिक कर दिया, और जिस शीट का आपने रेफरेंस देना है, क्या देना है, जिस शीट का रेफरेंस देना है उसका नाम लिख दें, रेफरेंस किसका देने जा रहे हैं, पेपर बुक का, आप लिख दें यहां पर PAPER पेपर GOODS गुड्स आपने नाम लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे इससे, और यहां पर आपने क्या लगाना है, साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन लगा देना है, ठीक है, ये वाला साइन आपने देखा होगा, शिफ्ट दबा के बंद दबाएंगे ये वाला आपके पास साइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने उस सेल का रेफरेंस देना है जिसका रेफरेंस आप यहां पर लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर देख लें कि उस सेल का नाम क्या है, कौन से सेल का रेफरेंस आपने देना है, E13 का देना है, किसका देना है आपने, E13 का रेफरेंस देना है। दोबारा कैटरिंग इनवॉइस में चले जाएं और यहां पर आप लिख दें E13, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ये रिमूव कर दीजिएगा, E13 क्या लिखेंगे आप, E13 आप लिख दें यहां पर, और आप क्या कर दें, एंटर कर दें, जैसे एंटर करेंगे तो वही वैल्यू ऑटोमेटिकली यहां पर क्या हो जाएगी, आपके पास जाएगी, ठीक है। तो देखिए यही वैल्यू थी 249.1। अब अगर मिसाल के तौर पर यहां से हम इसको चेंज करते हैं, या फॉर एग्जांपल ये वैल्यू चेंज करते हैं,
या यहां से वैल्यू चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली हो जाएगी 5.69 वे 264 हो गया, और यहां पर हम जाते हैं 264 हो गया। ठीक है, तो ये रेफरेंस देने का फायदा ये होता है कि वैल्यू जब चेंज होती है ऑटोमेटिकली पूरी शीट आपकी अपडेट हो जाती है। बात समझ आ गई बात, तो इसको भी आप लिख लें। ये रेफरेंस देने के लिए मैंने क्या किया, रेफरेंस देने के लिए ये बात याद रखें कि भाई सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस सेल का रेफरेंस देना है ना उसका नाम याद रख लें। कि जैसे E13 का रेफरेंस देना था ना, E13 अपने माइंड में बिठा लें, सेल का रेफरेंस आपने देना, एड्रेस आपको याद हो। फिर आप क्या करें, अगर उस शीट में आपका क्या मौजूद है, क्या कहते हैं, अगर स्पेस मौजूद है तो क्या करेंगे आप, दो कॉमास के दरमियान क्या करेंगे, उसका नाम लिखेंगे और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाकर आपने उस सेल का नाम लिख देना है। ठीक है, जिस में से रेफरेंस देंगे आप। देखिए, हमने पेपर वुड में से E13 सेल का रेफरेंस दिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नाम क्या लिखा, पेपर वुड लिखा और आगे मैंने E13 लिख दिया जिस सेल का रेफरेंस दिया मैंने। सही है सर, वो शीट का नाम भी लिखना और जिस सेल का नाम, हाँ उसका नाम भी लिखना है। लेकिन शीट का नाम, अगर शीट के नाम में कोई आपके पास स्पेस नहीं आ रहा तो इक्वल दबा के जस्ट शीट का नाम लिखें और साइन लगाकर आप उस सेल का नाम लिख दें, फिर आपको कोमा में लिखने की जरूरत नहीं है। अब चूंकि यहां पर देखिए स्पेस आ रहा था तो मैंने क्या लिखा, यहां पर इन्वर्टेड कोमा में इसको लिखा। ठीक है, आगे चलते हैं, हो गया। उसके बाद देखिए ए, यूज द सेम स्टेप फ्रॉम द अबव टू कैलकुलेट द सेल टैक्स फॉर ईच आइटम ऑन द मेन्यू ऑर्डर वर्कशीट। आपसे कह रहे हैं आपने सेम यही काम करना है, किसमें, मेन्यू आइटम वर्कशीट में आपने काम करना है। आपने रेफरेंस देना है, ठीक है, आपने यहां पर क्या करना है, सेल टैक्स में आने, वही आपने दोनों को मल्टीप्लाई करवाने, 6.5 से मल्टीप्लाई करवा के जस्ट पूरा ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। फिर आपने इस टोटल का रेफरेंस देना है, कहां पर रेफरेंस देना है आपको बता रहे होंगे, देखें किसमें रेफरेंस देना है आपने, कैटरिंग मेन्यू ऑर्डर वर्कशीट पे आपने काम करना है। द टोटल कॉस्ट इन E14 शुड अपडेट देन इन C4 कैटरिंग इनवॉइस वर्कशीट क्रिएट सेल रेफरेंस टू द टोटल यू जस्ट कैलकुलेटेड। ठीक है, आपसे कह रहे हैं जो आपने टोटल यहां पर कैलकुलेट किया है ना, इसका रेफरेंस देना कहां पर, कैटरिंग इनवॉइस के सेल C4 में। सेल C4 कहां है आपका, देखें ये रहा, यहां पर आपने देखें जगह छोड़ी हुई इन लोगों ने, सेल C4 में आपने इसका क्या देना है, आपने रेफरेंस दे देना है। ठीक है, समझ आ गई बात, चलें आगे। 14 हो गया हमारा भाई, 15 पर आ जाए, चले एक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। सही, आपसे क्या करें, क्लिक दैट प्रैक्टिस अवर ओपन प्रैक्टिस वर्कबुक आपने ओपन करनी है, 7 और 15 को ओपन कर लें आप लोग। ठीक है, 14 की फाइल को आप हटा दें क्योंकि आप अपलोड कर देनी है आपने सेव करके। अच्छा 15 देख लें भाई, प्रैक्टिस वर्कबुक को ओपन कर लिया आपने, उसके बाद क्या कह रहे हैं आपसे, उसके बाद कह रहे हैं क्लिक द चैलेंज टैब इन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट वर्कबुक। आपने वर्कबुक की क्या करनी है, चैलेंज वर्कशीट के टैब को आपने ओपन करना है, ओपन कर लिया। फिर क्या कह रहे हैं आपसे, फिर आपसे कह रहे हैं इन सेल F3 इंसर्ट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 4 स्कोर इन सेल्स B3 टू E3। आपसे क्या कह रहे हैं कि भाई आप एक ऐसा फंक्शन इंसर्ट करें जो कि एवरेज कैलकुलेट करे 4 स्कोर्स का, कहां से कहां तक, सेल B3 से लेकर E3 तक। देखें जी, तो सेल B3 आपका ये आ गया, B3 से लेकर आपने E3 तक आपने क्या करना है, इन सारे सेल्स पर आपने एवरेज का फंक्शन लगाना है। तो आसान तरीका क्या है कि केवल लिखें एवरेज, लिखें और उन सारों को सेलेक्ट करके एंटर कर दें। दूसरा आसान तरीका क्या है, जिसमें आप टाइप नहीं करना चाह रहे, आप फॉर्मूले में आ जाएं और यहां पे फंक्शन पे जाएं और यहां से एवरेज का फंक्शन चूज कर लें। ठीक है, तो जिस सेल में आप मौजूद होंगे उससे पहले पहले तक जितनी वैल्यूज आ रही होंगी ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट करेगा, ब्रैकेट क्लोज करेगा, जस्ट आपने क्या करना है, एंटर कर देना है। कर लिया एंटर, आगे आपसे क्या कह रहे हैं, देखें आगे आपसे कह रहे हैं यूज द फिल हैंडल टू कॉपी योर फंक्शन इन सेल F3 टू F4 टू F17। यानी कि F3 में आपने जो फॉर्मूला लगाया है आप उसको F4 से F
17 तक लेकर चले जाएं फिल हैंडल का इस्तेमाल करते हुए लेकर चले गए। आगे क्या कह रहे हैं आपसे, इन सेल B18 यूज द ऑटो सम कमांड टू इनसाइड द फंक्शन दैट कैलकुलेट द लोएस्ट स्कोर इन सेल B32 B17। ठीक है, आपसे क्या करें, ऑटो सम का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें, यहां पर वो फंक्शन इस्तेमाल करें जो सबसे छोटी वैल्यू कैलकुलेट करके दे। तो कौन सा फंक्शन होता है छोटी वैल्यू कैलकुलेट करने का, पढ़ाया था मैंने आपको, फॉर्मूले पढ़ाए थे, कौन सा होता है मिनिमम, क्या होता है मिनिमम, और फॉर्मूले में लिखते हैं MIN। अगर आपको याद नहीं तो यहाँ पर ऑटो सम वाले फीचर पे जाएं, फंक्शन पे जाएं और यहाँ से क्या कर लें, मिनिमम को सिलेक्ट कर लें, और आप क्या कर दें इस पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिकली क्या करेगा रेंज को सिलेक्ट करेगा, इसके ऊपर जितनी वैल्यूज आ रही है जस्ट आपने इंटर करना है, छोटी वैल्यू उसने आपको कैलकुलेट करके दे दी। पढ़ेंगे आगे इसको, ठीक है। अब ये हमने जस्ट क्या निकाला है कि मिनिमम वैल्यू निकाली। आप ये चाह रहे हैं सर पहले नंबर पे पहला फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट कौन है ये कह रहे हैं ना, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, ऐसे ऐसे कहना चाह रहे हैं, रैंकिंग करना चाह रहे हैं ना कि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा स्कोर किसने लिए। कर सकते हैं चार पांच वैल्यू को सिलेक्ट करें आप, वो कैसे करेंगे देखें यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएंगे, वहां पर भी आपको जरूरी नहीं कि फॉर्मूला लिखें, आप एवरेज पे जाएं और यहाँ से देखें, जैसे ही यहाँ पर जाएंगे ना ये आपके पास ये बना हुआ आ जाएगा, ये कॉर्नर से पकड़े और जितना आपको रेंज चाहिए उतना सिलेक्ट कर लें आप, सही है। आप यहाँ से रेंज बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, ठीक है, और आप एंटर करने तो फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझा गई बात, एवरेज पे जाते हैं और हम इसको इक्वल कर देते हैं। ठीक है, सॉरी एवरेज नहीं करना था, मिनिमम करना था ना, ऑटो सम पे जाते हैं इसको हम मिनिमम कर देते हैं और हम इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है क्या, उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे चलते हैं भाई, इन सेल B19 में जाइए और क्या करें, फंक्शन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हुए आप क्या करें ऐसा फंक्शन इंसर्ट करें दैट कैलकुलेट मीडियन ऑफ द स्कोर इन सेल B13 to B17। हिंट, यू कैन फाइंड द मीडियन फंक्शन बाय गोइंग टू मोर फंक्शन टू स्टैटिकल। आपसे कह रहे हैं कि भाई फंक्शन आप फंक्शन लाइब्रेरी में चले जाएं, यहाँ पर ऑटो सम पे जाएं और मोर फंक्शन पे जाएं, ये फंक्शन लाइब्रेरी आपकी कहलाती है और आपने क्या क्या मालूम करना है यहाँ से, और यहाँ पर आप इसकी लिस्ट में जाएं और स्टैटिकल में चले जाएं, कहाँ पे चले जाएं स्टैटिकल में जाएं और यहाँ से आप मीडियन ढूंढ लें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं मीडियन, ऊपर चला गया मुझे तो नहीं नजर आया, ये रहा, ठीक है मीडियन आ गया आपके पास, मीडियन को सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है, और आपसे कह रहे कि भाई आपने कहां से कहां तक लगाने, देखिए आपने कहां से कहां तक लगाने, F3 से लेकर F17 तक लगाने है ना, B3 से B17। दो मिनट देख रहे हैं, दो यार कहां से लगाने आपने, मीडियन ऑफ द स्कोर इन द सेल B3 to B17। ठीक है, तो एक काम करते हैं B3 से B17 इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लिया और यहां से आप अगेन इसको एक्सपेंड कर दें और आप इसको क्या कर दें ओके कर दें। ठीक है, आपने मीडियन कैलकुलेट कर लिया। आपसे क्या कह रहे हैं, इन सेल B20 क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द हाईएस्ट स्कोर इन सेल B3 to B17। B3 से B17 का आपने क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, यहां पर आप जाएंगे और यहां से आपने क्या करना है, आपने हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो मैक्सिमम पे जाएंगे और आपने क्या करना है, आपने B3 से B कहां तक जाना है, 17 तक। तो आप इसकी रेंज को आप क्या कर लें, कम कर लें, B3 to B17 तक आपने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो रेंज को सिलेक्ट हुई रेंज को कहीं पर भी आप लेके जा सकते हैं, कोई लाजमी नहीं, कोई आपको पोटेंशियल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने स्टेक किया और आप क्या कर दें, इंटर कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा जी, आगे क्या करें आपसे, व्हेन यू आर फिनिश्ड, जब आप खत्म करेंगे, योर वर्क बुक शुड लुक लाइक दिस। आपकी वर्क बुक इस तरह से आपको नजर आएगी, समझ आ गई बात। एक रह गया, अच्छा जी देख लेते हैं कौन सा रह गया भाई, कौन सा रह गया, 96 आ रहा था,
अच्छा हाईएस्ट स्कोर हमने लेना है ना, तो 96 आ रहा था तो हमने क्या गड़बड़ की है? बी जी नहीं 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 दो मिनट सफर कर जाए। अच्छा हमने देखिए हमने फिल हैंडल बी 13 टू फंक्शन सेलेक्ट द बी 18 यूज द फिल हैंडल, ये रह गया ना हमारा, सेलेक्ट द बी 18 बी 20 देन यूज द फिल हैंडल टू कॉपी आल थ्री फंक्शन यू जस्ट क्रिएटेड टू सी 18 टू एफ 18 सी 18 टू एफ 18 हमारा गलत क्यों आ रहा है? सी 18 टू एफ 18 क्या कह रहे हैं? सेल द सेलेक्ट द सेल बी 18 टू बी 20 बी 18 टू बी 20 कहां पर है आपका? ये आ गया। फिर आपने क्या करना है? देन यूज अ फिल हैंडल टू कॉपी ऑल थ्री फंक्शंस यू जस्ट क्रिएटेड टू सेल सी 18 टू एफ 20 सी 18 आपका ये आ गया और एफ 20 आपका ये आ गया। ठीक है तो नीचे वाले दो गलत हैं। ठीक है तो जस्ट हमने सुने यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे कि भाई आप एक काम करें आप सी 18 से एफ 20 तक आप क्या कर लें आप वो फिल हैंडल फिल कर लें। ठीक है जो फार्मूला आपने कहां पर लगाया है कहां पर लगाया था फार्मूला आपने select the cell B18 and then fill handle as a function you just created in cell C18 F20 C18 कहाँ पर लगाया यार हमने? यहाँ पर तो कोई formula ही नहीं लगाया हुआ हमने। सर आपने उसको पूरे line को किया था सर C18 से C20 तक करना था आपने पूरे line को किया। यार ये कुछ हमने कहीं पीछे गड़बड़ की होगी थोड़ी बहुत। अच्छा सेल बी 18 ऑटो सम हमने लगाया फंक्शन कैलकुलेट देखे ना हम यहाँ पर गलत कर रहे हैं ना हमने ये फार्मूला हमने लगाना था बी वाले में लगाना था पर हम कहाँ लगा रहे थे एफ वाले में लगा रहे थे। ठीक है यही फार्मूले हमने कहाँ लगाने थे हमने यहाँ पर लगाने थे बात समझ आ रही है। ठीक है फार्मूले हमने कहाँ लगाने थे यहाँ पर लगाने थे। ठीक है भाई ये बस आप सेल की वैल्यू ठीक तरह से देख लीजिएगा। जीरो क्यों बता रहा है इसके चले हम एक काम करते हैं इसको चले आप बराबर आप कर लेंगे ना ये हमारा क्या है हंड्रेड वाला आंसर गलत दे रहा है हंड्रेड और 99 काम पर है ये नहीं नहीं देखिए सुने मेरी बात देखिए हमने हमने जस्ट क्या कर लिया एफ वाले में फॉर्मूले सारे अप्लाई कर लिए। ठीक है आपसे क्या कह रहे हैं हमने जो फंक्शन लगाना था कौन सा लोवेस्ट वाला कहां पे लगाना था बी 18 में लगाना था ऐसे ही है बी 18 में हमने लगाना था बी 3 से बी 17 तक और उसके बाद हमने फंक्शन लगाना था कौन सा मीडियन वाला भी लगाना था कहां पर लगाना था हमने भाई बी 19 में लगाना था। ठीक है और इसी तरह से हमने सेल सी 20 बी 20 में हमने क्या करना था हाईएस्ट वाला लगाना था। ठीक है तो ये जो हमारे ये जो दो फंक्शन तीन आ रहे हैं ये हमने यहां पर लगाने थे लगा लेंगे आप लोग अगेन जस्ट आपने क्या करना है सेल को सिलेक्ट करना है वहां पर जाकर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला यहां पर क्या हो जाएगा जैसे यहां पर देखें यहां पर लोवेस्ट में मैं आता हूं मिनिमम में आता हूं और क्लिक करके मैं इसको एंटर कर देता हूं। ठीक है अब इसी को आपने फिर हैंडल के जरिए से आगे ले जाना है अब देखिए आपका आंसर ठीक आएगा सही है पहला फॉर्मूला जस्ट आपने यहां पर लगाना है उसके बाद हमने यहां पर क्या मीडियन लगाना था तो यहां पर हम लिख देते हैं इक्वल एम ई डी आई ए एन मीडियन आप ये भी कर सकते हैं और यहां से आप क्या कर लें वैल्यू को आप सिलेक्ट करके आप क्या कर लें क्लोज करके आप इंटर कर दें देखिए ये हो गया और इसको आप क्या कर लें फिल कर लें लास्ट तक। ठीक है अब इसी तरह से हाईएस्ट स्कोर आपने निकालना है तो मैक्सिमम पे चले जाएं और आप इंटर कर दें इसी तरह से आप क्या कर दें इसको आप यहां पर लेकर चले जाएं
ठीक है, हमारा गलत क्यों आ रहा था हमने, क्योंकि यहाँ पर रेफरेंस तो बी 14 का दिया हुआ था ना, और हम लिख के एफ वाले सेल में रहे थे, इसलिए हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रही थी। समझ आ गई बात? Yes. तो ये कर लेंगे मेरे ख्याल में खुद आप लोग, चले ये कर लेंगे। हाँ भैया।